Morning students, I hope you all are fine. So students, today we have discussed about the question answers of chapter 1, the letter. In the last week, we have discussed the word meaning and make sentence of this chapter. So now we have discussed the question answers of this chapter. So the first question of this chapter is, who is the poet writing the letter to? Means, poet kise letter likh raha hai? The poet is writing the letter to dearest mummy. यहां से लग जाएगा मतलब क्वेश्चन से हमारा आंसर बन रहा है द पॉइट इज राइटिंग द लेटर टू किसे लिख रहा था वो डियरेस्ट मम्मी अपने मदर को वो लेटर लिख रहा था हमने पोएम में मेंशन किया था कि प्रॉपर कि वहां पे किसे लेटर लिख रहा है टू डियरेस्ट मम्मी सो सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई डज द पॉइट्स पेन ट्रेवल स्लोली मीन्स पॉइट का पेन धीरे धीरे क्यों चल रहा है The poet's pen travels slowly. Poet का pen धीरे इसीलिए चल रहा है because क्योंकि he was so worried. क्योंकि वो बहुत डर गया था क्यों क्योंकि उसे था कि अगर उसे वो handwriting अपनी जितनी तेज करेगा fast fast लिखेगा उसकी handwriting गंदी होगी और उसके mother को जो पढ़ने में बहुत problem आएगी letter को इसलिए हम भी आपको हमेशा बोलते हैं बच्चों की हमेशा साफ हैंड राइटिंग से धीरे धीरे लिखो ताकि हम भी अच्छे से पढ़ सकें आपकी कॉपीज चेक हो सके और आप भी जब एग्जाम्स के टाइम वो चीज पढ़ते हो तो आप भी अच्छे से अपनी राइटिंग को पढ़ सके सो थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज अ ब्लॉटिंग पेपर तो ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है व्हाई डू वी यूज अ ब्लॉटिंग पेपर हम ब्लॉटिंग पेपर को यूज क्यों करते हैं ब्लॉटिंग पेपर इज अ थिक सॉफ्ट पेपर ब्लॉटिंग पेपर क्या है थिक और बहुत सॉफ्ट पेपर है थिक थोड़ा सा मोटा और जो क्या है सॉफ्ट पेपर है दैट वी यूज फॉर ड्राइंग इंक क्यों हम उसे यूज करते हैं इंक को ड्राई करने के लिए इंक को सुखाने के लिए कई बार क्या होता है अगर हम लिख रहे हैं तो जो पेन की हमारी इंक काफी ज्यादा निकलते जिससे हमारा पेपर खराब हो जाता है इसे वो ब्लॉटिंग पेपर यूज कर रहा है ताकि जो वो लिख रहा है वो साथ साथ क्या हो जाए ड्राई होता जाए इसलिए ब्लॉटिंग पेपर क्यों यूज करते हैं फॉर ड्राइंग इंक जो इंक है वो सूख जाए द फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मैनी किसेस डज द पॉइट गिव टू हर मदर जो पोएट ने अपनी मदर को कितनी किसेस की थी जो हमने लेटर में बोला था ना कि देयर इज अ रूम फॉर 10 मतलब उसके लिए इतनी स्पेस ही बची थी कि वो उस पे 10 किसेस कर सके तो वही इसमें आंसर आ गया था पोएट गिव्स 10 किसेस टू हर मदर जो पोएट है जो कवि है उसने कितनी किसेस की 10 किसेस की हैं अपने मम्मा को सो द लास्ट क्वेश्चन इज What does the poet do after the envelope is ready? Poet ने क्या किया जब उसका जो envelope है letter का वो तैयार हो गया तो उसने क्या किया था अगर हम जब उसका letter बिल्कुल तैयार हो गया था तो उसने क्या किया था उसे post कर दिया था box post box में डाल के क्या कर दिया था उसे post कर दिया था तो इसका answer भी है He puts the stamp on it. उसने क्या किया जब लेटर उसका एनवल्प रेडी हो गया उसने पोस्ट करने से पहले क्या किया उस पर स्टैंप लगाई क्यों लगाई क्योंकि अगर हम स्टैंप उस पर नहीं लगाते तो वो लेटर भी क्या है पोस्ट ऐसे नहीं हो सकता सो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन आंसर्स एंड लर्न दिस थैंक यू